Assalamu alaikum students, I am Sahish from Lahore Lyceum School. In previous lecture we studied reversible reaction in detail, and today we will study dynamic equilibrium. Equilibrium का word जब भी use किया जाए तो उससे mind में एक foreign से word आता है, that is balance, कि कोई चीज़ equilibrium में है, balance में है, कम ज़्यादा नहीं है, जितनी required है कुछ चीज़ें आपस में balance है. केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को अगर देखा जाए तो वो स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. अब यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा कि रिएक्टेंट्स, हर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं जो कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं. स्टार्ट में किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स की तरफ के मूव करने के जो रिएक्शन है उसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे. रेट मींस टाइम, कि वो कितना टाइम ले रहा है और कितना स्पीड से काम कर रहा है. और अगर वही प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है, जो हमारा मटेरियल एंड पे बन रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, वो जब डीकम्पोज होके, कल आपने डीकम्पोज और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, वही जब डीकम्पोज होके वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा तो इसे रिवर्स रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ मूव कर रहा है. इसीलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मींस के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने का रेट, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मींस के प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स का बनना. जब दोनों रेट, दोनों का स्पीड और टाइम सेम हो जाएगा, दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाएगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स बनने की, उस पॉइंट को आप केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे. केमिकल मींस कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम बैलेंस और स्टेट, एक ऐसी फेज आ गई है जिसमें सब कुछ बैलेंस है. अगर पॉसिबिलिटीज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की देखे जाए, देर आर टू पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक मींस स्टॉप, कोई चीज स्टॉप कंडीशन में है, स्टॉप कंडीशन में है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेनली जो टर्म यूज की जाती है वो फिजिकल फिनोमेनन के लिए यूज की जाती है. मींस के जो किसी फिजिकली किसी एग्जाम के लिए जो चीज़ें अपीयर हो रही हैं, मतलब केमिकल्स के लिए यूज़ नहीं हो रही, किसी चीज़ों के लिए यूज़ हो रही है. लाइक इसमें रिएक्शन स्टॉप कर जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, और ये फिजिकल फिनोमेनन के लिए यूज़ किया जाता है. इसकी अगर एग्जाम्पल देखें तो बिल्डिंग है, अगर कोई बिल्डिंग एक दफ़ा बन गई है, अब कोई उसमें रिएक्शन, कोई फोर्सेस जितनी भी उस पर अप्लाई हो रही, ग्रेविटी की फोर्स या कोई भी फोर्स, वो सब बैलेंस कंडीशन में है. बैलेंस कंडीशन में होने की वजह से बिल्डिंग अब गिरेगी नहीं, ना ही कोई उसमें मूवमेंट होगी, बिल्डिंग अपनी जगह पे स्टे किए रखेगी, अपनी जगह पे रहेगी. नेक्स्ट अगर सेकंड पॉसिबिलिटी देखें तो इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक मींस कंटिन्यू, स्टैटिक मींस स्टॉप एंड डायनामिक मींस कंटिन्यू. डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर अपरेंटली देखा जाए तो ये भी रिएक्शन स्टॉप ही होता है. बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि ये स्टॉप है, लेकिन स्टॉप नहीं होता, इसमें रिएक्शन कंटिन्यू रहता है. सिर्फ फर्क ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है. इक्वल होने से जब रिएक्टेंट्स भी इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं, दोनों चीज़ें एट अ टाइम बन जरूर रही हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी और उनका रेट सेम हो गया, जिसकी वजह से रिएक्शन लगता स्टॉप है लेकिन स्टॉप होता नहीं है, कंटिन्यूस रिएक्शन होता है. कंटिन्यूसली वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसलिए उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल देखी जाए तो एज टू प्लस आई टू मेक्स टू एच आई. हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं. फर्स्ट फेज में अगर देखा जाए तो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये कंबाइन कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं. सेकेंड फेज में देखेंगे तो जो प्रोडक्ट ऊपर वाले फर्स्ट फेज में जो प्रोडक्ट हमारा बना है, जो न्यू सब्सटेंस हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, सेकंड फेज में वही डीकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे. इट मींस कि सेकंड फेज में सिर्फ रिवर्स रिएक्शन, फर्स्ट फेज में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, क्योंकि ओनली रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है. सेकेंड फेज में देखा जाए तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो गया, जबकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो गया. उसको इक्वेशन को शो तो इस तरह टू एच आई पहले लिखा गया, लेकिन ये आपने माइंड में रखना कि ये रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रहा है. अब ये रिएक्शन फर्स्ट और सेकेंड फेज में होते होते एक ऐसी फेज आएगी जिसे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे, जहां पे कॉन्स्टेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाएंगी.
कॉन्स्टेंट मीन कि अब वो कम ज्यादा नहीं है, दोनों बैलेंस कंडीशन में। इसलिए डबल एरो यूज करके ये शो किया गया है कि दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में रेट रिएक्शन मूव कर रहा है। ग्राफ को अगर आप देखें तो रिएक्शन रेट को इसको वर्टिकल साइज में और हॉरिजॉन्टल साइज में टाइम मेंशन किया गया। जो पीक ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है रिवर्स रिएक्शन है। अगर आप देखें ऊपर से जो नीचे को आ रही है वो स्टार्ट में ज्यादा है, लेकिन एक फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन के लेवल पे आ गई है। ये जो दोनों ने लेवल मेंटेन कर लिया अपना, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। कल की आपकी जो असाइनमेंट है, जो आपकी होम असाइनमेंट है, दैट इज लर्न एंड राइट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस 2 और 3। फर्स्ट आप लोगों ने कर ली है और 2 और 3 आपने याद भी करना है और लिखना भी है। थैंक यू।